ॐ श्री परमात्मने नमः। श्री राधा सर्वेश्वरो विजयते। श्री निम्बार्क महामुनीन्द्राय नमः। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लिवे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान्वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। संपूर्ण भगवत भक्त मानवहरु में राधे राधे। आज को प्रातः कालीन सत्र श्रीमद् भागवत को मूल पाठ श्रवण में हामी छौं। प्रत्येक दिन इसी समय में हामीले श्रीमद् भागवत को मूल पाठ श्रवण करने गरेका छौं। आउनुस आज पनि भागवत को मूल पाठबाट आज को दिनलाई मंगलमय बनाऊ। जोसँग भागवत पुस्तक छ पुस्तक खोलौँ, जोसँग भागवत पुस्तक छैन आँखा बन्द गरौँ। भगवानको युगल चरण कमलमा चित्तलाई लगाउँदै भागवतको मूल पाठ श्रवण गरौँ। भागवतको अक्षर अक्षरमा भगवान श्री राधा कृष्ण समाहित हुनुहुन्छ। भगवानको प्रत्यक्ष वाङ्मयी स्वरूप हो श्रीमद् भागवत। त श्रवण गर्दाखेरि भगवान कृष्णकै स्वरूप को स्मृति गर्दै श्रवण गर्यो भने विशेष लाभ प्राप्त हुन्छ। आउनुहोस् भागवत द्वितीय स्कन्दको 7 अध्याय। ब्रह्मोवाच यत्रोद्यत क्षितितलो धरणाय बिभ्रत कौडिं तनुं सकलयज्ञमयेमनन्तः अन्तर्महार्णव उपागतमादिदैत्यं तं दृष्ट्या द्रिमिव व्रजदरो दधार जातो रुचिरजनयन् स्वयमान्य सुयज्ञ आकूतिरो आकीतिसूनुरमरानथ दक्षिणायाम् लोकत्रयस्य महति महारद यदार्तिं स्वायंभुवेन मनुना हरिरित्ययुनुक्तः यज्ञे चकर्दम गृहे द्विजदेवहूत्यां स्त्रीभिः समं नवविरात्मगतिं समात्रे ऊचे यात्मसमलं गुणसङ्गपङ्क मस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे अत्रे परत्यमभिकाङ्क्षत आह तुष्टो दत्तो महाहमिति यत् भगवन् सदत्तः यत्पादपङ्कजपरागपवित्रदेहा योगर्दिमा पुरुमयीं यदुहै हयाद्यः। तप्तं तपो विविधलोकस्य श्रेक्षया मे आदौ सनात् स्वतपसा सततो सनोभूत् प्राकल्पसंप्लवविनिष्टमिहात्मतत्त्वं सम्यक् जगादमुनयो यद च क्षतात्मन् धर्मस्य यक्षदुहितरयजनिष्टमूर्त्यां नारायणो नर इति स्वपतः प्रभावः
दृष्टात्मनो भगवतो नियमावलोपम देवस्तुरंग प्रेतना घटितुम नसो नसेकुः कामं दहन्ति कृतेनो ननु रोषदृष्ट्या रोषं दहन्तमुदते न दहन्त सह्यम् सोयम् यदन्तरमलं प्रविशन् बिभेति कामः कथं नुपुरो पुनरस्य मनःश्रयेत विद्या सपत्न्युदितम पत्रिभिरन्तिराज्ञो बालोपि सन्नुपगतस्तमसे वनानि तस्मा अदाद्रुभगतिं गृणते प्रसन्नो दिव्या स्तुमन्ति मुनयो यदुपर्यधस्तात् यद्वेन मुत्पथगतं द्विजवाक्यवज्र विपृष्टपौरुषभगं निरये पतन्तम् तात्वार्थितो जगति पुत्रपदं च लेभे दुग्धा वसूनि वसुधा सकलानि येन नाभिरसा वृषभ आस सुदेभिसूनुर्यो वै चचार समद्रिक् जडयो गचर्याम् यत्पारमं यत्पारमं राहं यत्पारहं स्यमृषयः पदमामनन्ति स्वस्थ प्रशांत करणः परिमुक्त संगः सत्रे समास भगवन् हयसी असाथो साक्षात् यज्ञ पुरुषस्तपनीय वर्णः छन्दोमयो मखमयो खिल देवतात्मा वाचो बभूबुरुसतिं श्वसनो सनस्तः मत्स्ययुगान्त समये मनोरोपलब्धः क्षोणीमयो निखिल जीवनिकाय हि केतः विस्रंसितानुर्भये सलिले मुखान् मे आदाय तत्र विजहारः वेदमार्गान् क्षीरदधावमरदानवयूथपाना मन्मत्नतामृतलब्धय आदिदेवः पृष्ठेन कच्छप वपुर्विदधारगोत्रम् नृग्द्राक्षतोद्रिपरिवर्तकषाणकण्डुः त्रैविष्टपोरुभयः सनृसिंहरूपं कृत्वा प्रमद्भ्रिकुटिद्रंष्टकरालवक्त्रं दैत्येन्द्रमासुकतया भीपतन्तमारा दूरो निपात्य विददार नखैः स्फुरन्तम् अन्तः सरस्युरुबलेन पदे गृहीतो ग्राहेण यूथपतिरम्बुजहस्त आर्तः आहेदमादिपुरुषाखिलोकनाथ तीर्थस्रवश्रवणमङ्गलनामधेय श्रुत्वा हरिस्तमरणार्थिनमप्रमेय चक्रायुधपतगराजभुजाधिरूढः चक्रेण नक्रवदनं विनिपाड्य तस्मात् अस्ति प्रघृह्य भगवन् कृपयोज्जहार ज्यायन् गुणैरवरजोऽप्यदिते सुतानां लोकान् विचक्रम इमान् यदधाधियज्ञः क्ष्माम्बामनेन जगृहे त्रिपदच्छलेन याञ्जामृते पथिचरन् प्रभुभिरेण चाल्यः नार्थो बलेरयमुरुक्रमपादशौ च मापः शिखादृतवतो विबुधाधिपत्यम् यो वै प्रतिश्रुतमृतेन चिबिकीरसधन्य धात्मानमङ्गशिरसा हरये भीमेने तुभ्यं च नारदवृषं भगवन् विमृद्ध भावेन साधु परितुष्ट उवाच योगं ज्ञानं च भागवतमात्मसतप्तदीपं यद्वासुदेवशरणा विदुरञ्जसैवं चक्रं च दीक्ष्वविहितं ददसुस्त्वतेजो मन्वन्तरीषु मनवं सदरो विवर्ति दुष्टेषु राजसुदमं व्यदधात् स्वकीर्तिं सत्ये त्रिपृष्ट उसतिं प्रथम प्रथयं चरित्रैः धनवन्तरिश्च भगवन् स्वयमेव कीर्तिर्नाम्ना नृणां पुरुरुजां रुज आसुहन्ति यज्ञे च भागवत् भागममृतायुरवावरुन्ध
आयुश्चेदमनुशास्त्यवकेतीर्यलोके क्षत्रं क्षयाय विधिनोपमृतं महात्मा ब्रह्मद्रुगोर्जितपथं नरकार्तिलिप्सु उद्दन्यसावनिकण्टकमुग्रवीर्य स्त्री सप्तकृत्य उरुधारपरस्वधीन अस्मत्प्रसादसुमुख कलया कलेश इक्ष्वाकुवंशावतीर्य गुरोर्निदेशे तिष्ठन् वनं सदयितानुज आविवेश यस्मिन् विरुध्य दशकन्धर आर्तिमार्षत अस्मा आदादुदधिरूढभवाङ्गवीपो मार्गं सपद्वरिकपुरं हरभद्दिदक्षुः दूरे सुरिन्मतितरोषसु सोणदृष्ट्या तातप्यमानमकरो रगनक्रचक्रः वक्षस्थलस्पर्शरुग्णमहेन्द्रवाह दण्डिर्बृढम्बितककुब्जुषऊढहासं सद्यो सुविसह विनिश्चते दारहरतुर्विस्फुर्जितैर्धनुष औच्चरतो दिशैन्यै भूमे सुरे तवरुथ बीम भूमेः सुरे तरवरुथ बीमर्दितायः क्लेशव्ययाय सकलासित कृष्णकेशं जातः करिष्यति जननानुपलक्ष्य मार्गः कर्माणि चात्ममहिमो पनिबन्धनानि तोकेन जीवहरणं मिदुकु यदुलोकिकाया स्त्रैमासिकस्य च पदा सकटोपवृत्तः यदरिङ्गतान्तरगतेन दिवि स्त्रिसर्वा उन्मूलनं त्वितरथार्जुनयोर्नभाव्यं यद्वै व्रजे व्रजपशुन् विषयो यपीथान् पालांस्त्वजीवयदनुग्रहदृष्टिवृष्ट्यां तच्छुद्धये तिविसवीर्यविलोकजिह्व मुच्चाटयिष्यदुरगं विहरन् हृदिन्यां तत्कर्म दिव्यमिव यन्निशिनिः शयानं दावाग्निना शुचिवने परिदह्यमाने उन्निश्यति व्रजमतो वसितान्तकालं नेत्रे पियाय पिधाय सबलो नदिगम्य वीर्यः गृह्णीत यद् यदुपवन्दमनुष्य माता सुलभ्यं सुतस्य न तु तत् तदमुष्य माति यजृम्बतोऽस्य वदने भुवनानि गोपी संवीक्षकसङ्गीतमना प्रतिबोधितासितं नन्दं च मोक्षति भयाद् वरुणस्य पाशद् गोपान् बिलेषु विहितान् यममयसु नुनाच अन्यावृतं निशेषया नमति श्रमेण लोकं विकुण्ठमुनयेष्यति गोकुलं स्म गोपैर्मुखे प्रतिहते व्रजपिपलाय देवी विवसति पशुन् कृपया रक्षुः धर्तोच्छिलेन्द्रमिव सप्तदिनानि सप्त वर्षो मैद्रमनघैककरे सलिलम् क्रीडन् वने निशे निशाकररश्मि गौर्यां रासोन्मुखकलपदायतमूर्छितेन उद्दीपितस्मरुरुजां व्रजभृद्वधूनां हर्तुर्हरिष्यति सितो शिरो धनदानुगम्य ये च प्रलम्बखरदरदुरकेशैरिष्ट मल्लेककं स यवना कुजपौण्ड्रकाद्याः अन्ये च साल्वकविकल्पदनन्तवक्त्र सप्तोक्षसंवरविदुरथरुक्मिमुख्याः ये वा मृधे समेति सालिन आत्तचापः काम्बोजमस्तकुकुरुकैकयसृञ्जयाद्यः यास्यन्तदर्शनमलं बलपार्थभीम व्याजावयेन हरिणा निलयं यदीयै तदीयं कालेन मिलितविधाममृष्यनृणां स्तुकायुषां स्वनिगमो बत दूरपारः आविर्हितस्त्वनुयुगं स हि सत्यवत्यां वेदद्रुमं विटपशु विभजिष्यति स्म देवद्विजां निगमवर्त्मनि निष्ठितानां
भूर्भिर्मयि नमयिता भिरदृश्य तुर्भिः लोकाग्रता मत विमोहमपीति प्रलोभम भीषम विदाय बहुभाषित औपधर्म्यम यर्याल्याये स्वति सतां नारे कथा स्युः पाखण्डिनो द्विजगजना मृषला नृदेवा स्वासदासवसडिति स्म गिरो न यत्र शास्ता विशति कालेर्भगवान् युगान्ते सर्गे तत्पोहम सयोत्नवती प्रदेशा स्थाने च धर्म मुख मन भमरा वनीषा अन्ते च अन्ते त्वधर्म हर मन्युवसा सुराध्या मायाभूत इमा पुरुषक्तिभाज विष्णुनवीर्यगणनां कतमोर्हतिह यः पार्थिवान्यपि कविर्भीममेरजांसि तस्कम्बयः स्वरं हवास् फलता त्रिपृष्टम यस्मा त्रिसाम्य सदना दुरुकम भयानम नान्तम विदाम्यहममी मुनयिकृजास्ते मायाबलस पुरुष कुतो परे दिये कायन गुणान्द सशतानन आदिदेव शेषोधुनापि समवस्यति नास्य पारम येषां च भगवान् यदयेदनन्तः सर्वात्मना श्रीपद स्त्रितपदो यदि निर्भिलीकं ते दुस्तरामतितरन्ति च देव मायां नैषां ममाहमि दीधि श्रीगृगालभक्षे वेदामङ्ग परमस्य युगमायां यं भवश्च भगवान् अथ दैत्यवर यहम पत्नी मनोच मनुश्च तदात्मजाश्च प्राचीनवर हिरिभुज भुरंग उत ध्रुवश्च इक्षाकुरे लमुचु कुंदवी देहगादि रदुम्बरी ससगरा गयना उसाद्या मात्रा मान्धात्र लर्क सतबंधुनु रन्ति देवा दिव्यव्रतो बलिरमूर्तरयो दिलीपहम सौभर्युतङ्कविशिबिलेवलपिप्पलाद सारस्वतोद्भवपराशरभूरिभीषिणाम् इन्ने च भीषण अनुमदुपेन्द्रदत्त पार्थार्ष्टिपेण विदुरश्रुतदेववर्याः ते वै विदन्त्यति तरन्ति च देवमायां स्त्रीशूद्रभूणसवर अपि पापजीवः यद्यद्भव यद्यद्भुतक्रमपरायणशीलशिक्षा स्त्रियग्जना अपि किमु श्रुतधारणा ये शश्वत्प्रशान्तमभयं प्रतिबोधमात्रं शुद्धं समं सदसत परमात्मतत्त्वं शब्दो न यत्र पुरुकारकवान् क्रियार्थो मायापरित्यभिमुखी च विलज्यमाना तदे पदं भगवत परमस्य पुंसो ब्रह्मेति तत् विदुरस्त्रमुखं शोकम् सन्द्रङ्गयतयो यमकर्तहेतिं जयुस्वराडिव निपा नकनीन्द्रमित्रः सश्रेयसामपि विभोर्भगवन् यतोऽस्य भावस्य भावहित तस्य सतः प्रसिद्धिः देहे सदा तु विगमेन्नुविशीर्यमाणे व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्य तेजहं स्वयं तिभितस्तात् भगवान् विश्वभावनं समयति न हरेर्नान्य समासेन हरेर्नान्यत् यस्मात् सदसत् समासेन हरेर्नान्यदन्यस्मात् सदसच्च यत् इदं भागवतं नाम यन्मे भगवतोदितं सङ्ग्रहोऽयं विभूतिनां त्वमेतद् विपुलीकुरु यथार भगवते दण्डामक्तिर्वसति सर्वात्मनान्यखिलाधारे इति शङ्करविवरणः मायां सवर्णे वर्णयतो मुस्य ईश्वरस्यानुमोदतः शृणुत सदया नित्यं मायात्मानमुह्यति इति श्रीमद्भागवते महापण्डपुरं संहितां द्वितीयस्कन्धे ब्रह्मनादसंवादे सप्तमोऽध्यायः हरे नमः राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। आजको लागि मूल भागवत पाठ यति नै र सानो पद श्रवण गरौँ र आजको मूल पाठलाई पूर्ण गर्नेछौँ। व्यवहार र परमार्थ भागबाट लिँदैछु 1418 नम्बरको यो पद छ, व्यावहारिक पद छ। रखो मत आसक्ति कर्म में फल में ममता किसी प्रकार भली भांति सब कर्म करो समुचित पद्धति से बिना बेकार जैसे नट नाटक में रखता कहीं नहीं ममता आसक्ति पर यह
यथा योग्य सब अभिनय करता वन वैसा ही व्यक्ति। भूल न हो अभिनय में बिगड़े कहीं न नाट्य मंच पर खेल, उसका उचित उदय हो पर मन में न कहीं हो विग्रह मेल। वैसे ही ईश्वर के इस जग नाट्य मंच पर भली प्रकार, खेलो अपना खेल यथोचित तत्प्रत्यर्थ स्वांग अनुसार। रखो मत आसक्ति कर्म में, फल में ममता किसी प्रकार। भली भांति सब कर्म करो समुचित पद्धति से बिना विकार। ओम अस्तु। आज को लागि मूल पाठ श्रवण और पद श्रवण ये राधे राधे।